नमस्ते, मैं हूं पवन अरुद और आर डी जे सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पलीफायर में यूज होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग की, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। मेरे चैनल में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और पूछा था कि जो एम्पलीफायर का क्लास होता है आखिरकार वो क्या है। आपने सुना होगा क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास डी एम्पलीफायर और क्लास एच एम्पलीफायर, ऐसे करके आपने सुना है और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता कि आखिरकार ये एम्पलीफायर का क्लास क्या होता है और ये एम्पलीफायर जो क्लास होता है हमें किस क्लास का एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। जैसे ही मैंने उस वीडियो को बनाना प्रारंभ किया तो मेरे दिमाग में आया कि उससे पहले आपको ट्रांजिस्टर बताते हैं। जब तक आप ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल में नहीं जान पाएंगे तब तक आप एम्पलीफायर के क्लास के बारे में सही से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिरकार ट्रांजिस्टर क्या है, एम्पलीफायर में कैसे वो काम करता है। आधुनिक समय के एम्पलीफायर या फिर अन्य इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर को बहुत ही बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इतिहास में कई दशकों पीछे जाना होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो एम्पलीफिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि प्रवर्धन, अगर सरल शब्दों में कहें कि जो एम्पलीफायर बिजली से चलने वाले थे पुराने समय पर जब वो बनना शुरू हुए थे तो उनमें ट्रांजिस्टर की जगह वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। जो वैक्यूम ट्यूब थे वो कांच के बने होते थे और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ध्वनि आउटपुट करते थे, यानी कि उनका जो आउटपुट था बहुत ही अच्छा था। लेकिन उनमें क्या था, एक कमी थी, वो गर्म बहुत ज़्यादा होते थे और वो पुराने समय की टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से उनमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा था। चलते अच्छा थे लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, गर्म होते थे जिससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। एक हिसाब से अगर कहा जाए जो आधुनिक समय में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर हैं उनके वो बाबा जी यानी उनके दादाजी कहें, जो कि बूढ़े हो गए हैं और गुस्सा बहुत होते हैं, गर्म बहुत होते हैं। तो जैसे ही विकास हुआ एम्पलीफायर का तो उनकी जगह पर जो है हटा करके मेटल बॉडी जो ट्रांजिस्टर होता है उसका उपयोग किया गया। इसको तो शायद आपने भी देखा होगा, ये वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा बहुत कम गर्म होते थे और ध्वनि में काफ़ी ज़्यादा समानता देखने को मिलती थी जिससे बिजली की खपत जो है कम हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो धीरे धीरे हमारा जो है ध्वनि प्रवर्धन टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ा। आपको जो ये मेटल बॉडी वाला ट्रांजिस्टर है आपको कुछ जो पुराने टाइम के एम्पलीफायर है उनमें देखने को मिल जाएगा, जो कि आहूजा सीरीज में अभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और स्टेंजर का जो PBT501 एम्पलीफायर है जो कोलकाता वाला मॉडल है उसमें भी आपको यही ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। जो मेटल बॉडी वाले ट्रांजिस्टर थे उनका एक गुण सबसे अच्छा था, जो था लोड सहने की क्षमता, यानी वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली थे। अगर कहें वो जितने लोड के लिए बना है उससे 2-3 गुना का भी लोड वो सह लेते थे और ख़राब भी नहीं होते थे। उस पर भी आपको संचालन के लिए 3 पॉइंट्स के बने होते थे, इमीटर, कलेक्टर और बेस। उसकी बॉडी बेस बनती थी और 2 पॉइंट उसमें एक इमीटर और कलेक्टर बनता था। अगर उनके लोड की जांच करनी तो अगर आपके पास कोई पुराना एम्पलीफायर पड़ा हो जो कि मेटल बॉडी ट्रांजिस्टर से बना हुआ हो, आज उस पर लोड डाल के आप चेक कर लीजिए, वो ना तो क्लिप करेगा और ना ही ओवरलोड होगा, बराबर वो कंटिन्यू काम करता रहेगा ओवरलोड पर भी, इतने ज़्यादा सक्षम थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी हीटिंग ज़्यादा थी, यानी वो भी गर्म होते थे और उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस था, बिजली की खपत ज़्यादा थी। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बिजली की आपूर्ति को ध्यान में रखा गया और क्वालिटी को ध्यान में रखा गया, सारा कुछ ध्यान में रख के जिससे जन्म हुआ आज के टाइम पर यूज होने वाले ट्रांजिस्टर का, जो कि ओपन एकदम होता है, पूरा सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों से बना होता है। आज के टाइम यानी 2024 के टाइम पर लगभग आपके पास जितने भी एम्पलीफायर आएंगे लगभग सभी यही ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। इस ट्रांजिस्टर को कुछ लोग फेड या फिर मॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी 3 पिन होती है, कलेक्टर, इमीटर और बेस। यही नहीं, अभी आने वाले टाइम पर और भी ज़्यादा इनसे छोटे ट्रांजिस्टर आएंगे जिन्हें मिनी ट्रांजिस्टर कहा जाता है, अभी आपको मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरणों में वो देखने को मिलते हैं। और आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उससे भी ज़्यादा छोटे नैनो ट्रांजिस्टर आएंगे, जो कि एक प्रोसेसर जैसे बने होंगे, उससे एम्पलीफायर बनेंगे जो कि बिल्कुल हल्के होंगे लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा भारी होगा।
लेकिन इस समय हम जी रहे हैं इस समय का टाइम जिसमें हमारा ये ट्रांजिस्टर चल रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। इसमें तीन लेग होती हैं, मैंने आपको बताया था, बेस, इमीटर और कलेक्टर। और इन तीनों को अलग करने के लिए इनमें डोपिंग की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पूर्णतः बना होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसी तत्वों से, और इनमें इमीटर, कलेक्टर और बेस को अलग करने के लिए जो तकनीकी यूज की जाती है डोपिंग होती है, जिसमें सल्फर और बोरॉन जैसे तत्वों से डोपिंग की जाती है, जिससे ये अपने गुण पर आ जाते हैं, ट्रांजिस्टर की भांति व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ तक हमने ट्रांजिस्टर के इतिहास और फ्यूचर के बारे में जाना। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अन्य उपयोग की, उसके बाद बात करेंगे एम्पलीफायर में उपयोग की कि कैसे एम्पलीफायर में काम करता है। अन्य उपयोग में जो है ट्रांजिस्टर, हर जगह आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होगा यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, हर जगह ट्रांजिस्टर जरूर लगा होगा। आज के टाइम पर आप जिस फोन से इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें कई करोड़ ट्रांजिस्टर लग के वो प्रोसेसर को बनाया गया है। आपके घर में यूज होने वाले टीवी, एलसीडी और अन्य जितने भी गैजेट हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर वगैरह जितना भी आपके यहाँ है, सारा कुछ ट्रांजिस्टर से ही चलता है। यानी कि जब से ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ है तब से इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में क्रांति ही आ गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा पूरा साउंड सिस्टम का पूरा सेटअप होता है उसमें बहुत सारे डिवाइस लगाए जाते हैं। सबसे पहले लैपटॉप, लैपटॉप से एक सिग्नल निकल के जाता है मिक्सर में, मिक्सर से क्रॉसओवर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ग्राफिक इक्वलाइजर या फिर DSP वगैरह हो गया, और उससे फाइनली आउटपुट जाता है हमारे एम्पलीफायर में, और उसी एम्पलीफायर के अंदर लगे होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो कार्य होता है वो जैसे कि आप ध्यान से समझिए, जो हमारा लैपटॉप होता है या फिर हमारा फ़ोन होता है जिससे हम सिग्नल देते हैं या फिर हमारा माइक्रोफोन होता है, उससे जो सिग्नल निकलता है बहुत ही छोटा होता है, कुछ इस प्रकार का। और जब वो एम्पलीफायर में पहुंचता है तो वो छोटा सिग्नल जब ट्रांजिस्टर के पास से गुजरता है तो ट्रांजिस्टर में ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है। तो वो क्या काम करता है, वो जो छोटा वाला सिग्नल आया है उसको अपने कलेक्टर में लेता है और उसमें जो बड़ी वाली बिजली की वोल्टेज होती है उसी में उसे मिक्स कर देता है, और आगे उसी सिग्नल को जैसा सिग्नल आया था उसे उसी रूप में बड़ा करके आगे भेज देता है। यानी छोटे सिग्नल को, छोटी आवाज़ को बड़ा करना, ये ट्रांजिस्टर का काम है एम्पलीफायर के अंदर। और जो एम्पलीफायर के क्लासेस होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। तो आप इन छोटे छोटे पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, जो सिग्नल होता है कुछ ऐसा छोटा हुआ और जब वो ट्रांजिस्टर से यानी हमारे एम्पलीफायर से पास हुआ तो वही सेम सिग्नल बढ़ के कुछ ऐसा हो गया। तो आप यहाँ मोटा मोटा समझ लीजिए कि ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा ही काम करता है। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास डी, क्लास एच एम्पलीफायर क्या होते हैं, साथ ही आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, क्लास सी एम्पलीफायर क्या होता है, वो भी आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। अगर आप आने वाला वीडियो देखना चाहते हैं, एम्पलीफायर के क्लास के बारे में समझना चाहते हैं अच्छे से, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जल्द ही वो वीडियो आने वाला है। जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास वीडियो पहुँचेगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। जब आप ऑडियो एम्पलीफायर के क्लास के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो आप खुद ही सक्षम हो जाएंगे कि आपको कौन सी क्लास का एम्पलीफायर लेना है। क्लास ए बी एम्पलीफायर लेना चाहिए वो बेस्ट होता है, कि क्लास डी एम्पलीफायर बेस्ट होता है, कि क्लास एच एम्पलीफायर बेस्ट होता है, ये सारा कुछ आप खुद ही जान पाएंगे। तो जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए जो कि आपके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सो फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, नमस्कार।